हाँ जी बच्चों, तो आज की क्लासेस में हम इंडिफरेंस कर्व चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से जैसे बाकी चैप्टर्स हैं, इसकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और इससे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा। तो इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, आपको पहले समझना होगा कि कार्डिनल अप्रोच क्या होता है और ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है। कार्डिनल अप्रोच में जहाँ पर आप क्या करते हैं, इसको आप काउंट कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल अप्रोच। जो यूटिलिटी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा वो क्या था हमारा, कार्डिनल अप्रोच। अब आप जो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व पढ़ने जा रहे हो, ये है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसमें हम सेटिस्फेक्शन को रैंक दे सकते हैं कि ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो जिसको हम रैंक दे सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व को आप क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर ये चैप्टर क्या है और क्यों है, उसके बाद अंदर आके पढ़ेंगे क्या क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इंडिफरेंस कर्व जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व में बेसिकली एक वर्ड आया है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिफरेंस, एक होता है इंडिफरेंस। डिफरेंस का तो मतलब होता है अलग अलग, ये डिफरेंस है तो इससे इससे अलग है। एक होता है इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब होता है समान होना, एक जैसा रहना, उसे हम क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि सर किस चीज़ के एक जैसे होने की बात कर रहा है, किस चीज़ के समान रहने की बात कर रहा है, किस चीज़ के इक्वल रहने की बात कर रहा है। इनडिफरेंस का मतलब होता है एक जैसा, एक समान है, इक्वल बराबर, तो किस चीज़ की समानता की, किस चीज़ के इक्वलिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल के इक्वल रहने की बात कर रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल के सेम रहने की बात कर रहा है। अब इस चैप्टर में क्या है और सेटिस्फेक्शन लेवल सेम किस तरीके से रहेगा, ये दो पॉइंट है। मैं आऊँगा इस चैप्टर पे लौट करके 5 मिनट के बाद वापस। अभी 5 मिनट एक थोड़ा सा साइड में हट के एक पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर चैप्टर पे लौटेंगे। ठीक है बच्चे, सबसे पहले बच्चे बताओ कि हर कम्युनिटी की वैल्यू डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं और सबकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। तो मेरा क्वेश्चन आपके साथ में ये है कि कैसे डिसाइड होता है कि किस कम्युनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, किस कम्युनिटी की वैल्यू कम होगी। तो किसी कम्युनिटी की वैल्यू किन चीज़ पर डिपेंड करती है, आप कह रहे वांट्स पे, डिमांड पे। जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसके जो ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाइड करता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, आपका ये आंसर आ रहा है। तो इसके हिसाब से दुनिया की सबसे महंगी चीज़ वाटर होनी चाहिए, पानी। क्यों, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या होनी चाहिए इसके हिसाब से, पानी, वाटर। अब क्वेश्चन है, क्योंकि भैया वाटर की डिमांड सबसे ज़्यादा है, पूरे दिन सबसे ज़्यादा डिमांड आप वाटर की करते हो, सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड भी आपको वही करता है, तो वाटर इसके अकॉर्डिंग सबसे महंगा होना चाहिए, लेकिन वो तो सबसे सस्ता है। आप कह रहे हो सर उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, सर उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है जो कि ज़्यादा सेटिस्फाइड करता है। तो मैं काउंटर कर रहा हूँ आपको, तो बेटा जो वाटर होता है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, वाटर सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड करता है, तो इसके आपके अकॉर्डिंग तो फिर वाटर सबसे एक्सपेंसिव चीज़ होनी चाहिए। डायमंड की डिमांड सबसे कम है, डायमंड कोई खास ऐसा उसकी यूटिलिटी नहीं है आपके लाइफ में, ऐसा थोड़ी कि डायमंड ले आए लाइट बंद कर दी घर में रोशनी रहेगी बिजली का बिल नहीं आएगा, ऐसी कोई खास यूटिलिटी है नहीं, लेकिन डायमंड तो सबसे महंगा है, ये तो उल्टा ही कहानी हो गई। जिसका इस्तेमाल कम है, इसकी डिमांड कम है, वो सबसे एक्सपेंसिव है, जिसका यूजेस ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, उसके प्राइजेस बहुत सबसे ज़्यादा कम है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो कि किसी कम्युनिटी की वैल्यू इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कितना हम उसको यूज़ करते हैं, उसकी डिमांड कितनी है, तो कहीं ना कहीं आप ये गलत कह रहे हो। ये बात समझ में आई बच्चे, किसी कम्युनिटी की वैल्यू उसकी वो कितना अवेलेबल है इस पर डिपेंड करता है। जो ज़्यादा अवेलेबल होता है ना, पानी से भी ज़्यादा उपलब्ध हवा है, मानते हो, अनलिमिटेड है, तो वो तो फ्री में ही हो गया। अब पानी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस भैया हवा की है, देखो सांस नहीं लेंगे पानी के बिना, घंटे दो घंटे चार घंटे तो जी भी लेंगे, अगर सांस नहीं लेंगे तो 5 मिनट के अंदर ही ख़त्म है। सदा डिमांड इसी करते हैं, पानी तो जितनी बार पीते हैं ज़्यादा बार तो हम सांस लेते हैं, लेकिन ये फ्री में ही है, क्यों, ये अवेलेबल अनलिमिटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होगी ना उसकी कीमत कम होगी, क्लियर है बच्चे, और जो चीज़ कम अवेलेबल होगी ना, जिसकी स्केयरसिटी ज़्यादा होगी
उसकी कीमत ज़्यादा होगी, लाइक डायमंड कम अवेलेबल है इसलिए डायमंड एक्सपेंसिव है। समझ में आया बच्चे आपको? अब मैं आपसे फिर से क्वेश्चन करता हूँ, अब बच्चे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, किसी कमोडिटी का प्राइस या किसी कमोडिटी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा किस केस में होगी? जब वो अवेलेबल, मैं क्या कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? जो कम अवेलेबल हो, जिसकी स्केयरसिटी हाई हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। आप देखते हो कभी सीजन में कोई ऐसे वेजिटेबल जो कम अवेलेबल है जो स्केयर हो जाते हैं, तो उसके प्राइस देखो बढ़ नहीं जाते, और सीजन में जब वो ऐसी चीज़ जो ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है उसके प्राइस देखो। तो किसी कमोडिटी का इम्पोर्टेंस प्राइस वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कितनी अवेलेबल है। तो जो चीज़ आप पे कम अवेलेबल है उसका महत्व, उसका इम्पोर्टेंस आपके लिए ज़्यादा रहेगा। जो चीज़ आपके पास ज़्यादा अवेलेबल है उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व आपके लिए कम रहेगा, भले ही आप ज़्यादा यूज़ करते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में भी लगा लो, रिलेशंस में भी लगा लो, ज़्यादा अवेलेबल रहोगे आपकी वैल्यू कम है वहाँ, कम अवेलेबल रहोगे आपकी वैल्यू ज़्यादा है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? अब जो चीज़ कम रहेगा उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा, जो चीज़ ज़्यादा रहेगी उसकी इंपॉर्टेंस कम रहेगा। इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं, जरा समझिएगा, बड़े ध्यान समझिएगा। इस चैप्टर में आप दो कमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे, आप एप्पल एंड बनाना बोल दो, जो आपके मन में आ रहा है वो बोल दो, या एक को आप एक्स कमोडिटी बोल दो और एक को आप वाई कमोडिटी बोल दो। तो इस चैप्टर में आप दो कमोडिटी का कंजम्पशन करने जा रहे हैं। जब एक से ज़्यादा कमोडिटी का कंजम्पशन होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का कंजम्पशन करेंगे, मोर देन टू भी नहीं करेंगे इस चैप्टर में और लेस देन टू भी नहीं करेंगे। पहली बात समझ में आई? तो एक कॉम्बिनेशन के कंजम्पशन से आपको एक कोई सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। क्लियर है? अब मैं आपको यहाँ पर एक टास्क दूंगा कि बेटा ये दो कॉमोडिटीज़ है, इसके ये कॉम्बिनेशन है, इससे लेट कर लो, ये सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है। अब मैं आपको टास्क ये देने वाला हूँ कि आप इस कॉम्बिनेशन में चेंजेस करो, किसी की क्वांटिटी बढ़ा दो, किसी की क्वांटिटी में चेंजेस करो, दोनों कॉम्बिनेटीज़ में क्वांटिटी में चेंजेस करो, लेकिन कंडीशन ये है कि टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल में चेंज नहीं आना चाहिए। जितना पहले आ रहा था सेम उतना ही आना चाहिए। टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होना चाहिए आपका? सेम होना चाहिए। टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होना चाहिए आपका? इंडिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिफरेंस होना चाहिए। अब आपको कुछ, सर ये कैसा गेम है, आइए खेलते हैं इस गेम को, देखते हैं क्या करोगे आप इसमें। थ्योरी वगैरह बाद में पढ़ेंगे, पहले हम गेम को करेंगे। देखो बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, क्लियर है बच्चे? क्लियर है? एक आपके पास में क्या है, एक्स या फिर एप्पल, जिसको मैं यहां पर कंसीडर कर देता हूं एक्स, और एक आपके पास में क्या है, बनाना, जिसको मैं वाई कह रहा हूं। ठीक है बच्चे? तो आप कितने कॉमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं बच्चे? कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जिसमें एक्स एंड वाई है। ठीक है बच्चे? एग्जांपल लेते हैं, लाइक पी, आप वन एप्पल का कंजम्पशन कर रहे हैं और आपके पास में 15 बनाना है। एप्पल कितने हैं आपके पास में? दोनों ही कम्युनिटी हैं। एप्पल कितने हैं आपके पास में? वन। और बनाना कितने आपके पास में? 15 यूनिट ऑफ बनाना है और 1 आपके पास में एप्पल है। तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ की रहेगी? एप्पल की। एप्पल कम है, जैसे होता ना कि जिसकी आइसक्रीम की फैक्ट्री लगी हुई है उसके लिए आइसक्रीम इतने मज़ेदार नहीं होता है ना, और आपके पास में सेब के बगीचे हैं तो आपके लिए सेब इतना मज़ेदार नहीं होगा है ना। तो आइसक्रीम वाले के लिए जो है सेब की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगी, और एप्पल के जिसमें बगीचे हैं उसके पास में आइसक्रीम की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगी। ऐसा रहता है, जो चीज़ हमारे पास में है
उसकी इंपॉर्टेंस कम रहती है क्योंकि हम ऑलरेडी उसके साथ यूज्ड टू हो चुके होते हैं, हमारी वांट्स काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड रहती है उस चीज़ से, तो वो हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं लगती है। जिस चीज़ को हमने यूज़ नहीं करा या कम यूज़ करा उससे रिलेटेड वांट्स ज़्यादा रहती है, तो इसलिए वो ज़्यादा सेटिस्फाइड करती है हमें। बात को समझ में आ रही है? तो आपके पास में एक एप्पल 15 बनाना है तो किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस कम है, कौन ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगा आपको? एप्पल या बनाना? एप्पल, और बनाना कम करेगा क्योंकि बनाने की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो मैं एक बात और बोल सकता हूँ भाई, सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम 1 एप्पल इज ग्रेटर देन सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ 1 बनाना। एग्री करते हो मेरे स्टेटमेंट से? एग्री करते हो कि एक एप्पल जो आपको सेटिस्फाइड कर सकता है वो एक बनाना के कंपेटेबली आपको ज़्यादा सेटिस्फाइड कर सकता है क्योंकि आपके पास में एप्पल ज़्यादा स्केयर है। एग्री करते हैं मेरे इस स्टेटमेंट से? क्लियर है बच्चे? अब छोटे से एक बात समझो, मेरे दोनों पॉकेट में 1000 रुपीज़ है मिला करके, किसमें कितना है वो छोड़ो, मैं दोनों में मिला करके कुल कितने हैं 1000 रुपीज़ है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे आप मेरे पॉकेट में पैसों में कुछ भी चेंजेस करना है करो, आपका पूरा फ्रीडम है, बट मेरा टोटल 1000 रुपीज़ ही होना चाहिए, ध्यान रखो उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, बाकी जो करना है मेरे पॉकेट साथ में करो। तो अगर आपने 50 रुपये इस पॉकेट में डाले तो उस पॉकेट में क्या करना पड़ेगा? 50 रुपये वहाँ से निकालने पड़ेंगे, है ना? वहाँ से क्यों निकालने पड़े? ताकि टोटल 1000 रुपीज़ ही रहे। तो जितना आया एग्जैक्टली अगर उससे ज़्यादा निकाल लेते, अगर 60 निकाल लेते तो मैं कम हो जाता, उससे कम निकालते तो ज़्यादा हो जाता, तो चेंज हो जाता ना मेरे टोटल में। तो जितना आएगा उतना ही आप निकालोगे तो मेरे टोटल बजट पे कोई चेंज, टोटल जो मेरे पास में है पैसा उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से मैं आपसे कहता हूँ कि अगर एक एप्पल का कंजम्पशन अगर आप बढ़ा देते हो, क्यों एक एडिशनल एप्पल का कंजम्पशन करते हो और आप चाहते हो कि टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई चेंज ना आए, और अगर आप बनाना 15 ही रखते हो तो क्या टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही रहेगा या ज़्यादा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज में मतलब कम होगा ज़्यादा होगा? अगर दो एप्पल और 15 बनाना कंजम्पशन कर रहे हो तो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा हो जाएगा, टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल, क्योंकि आप मोर क्वांटिटी कंजम्पशन कर रहे हो। तो क्या करना पड़ेगा अगर आपको, क्या करना पड़ेगा आपको? बनाना कम करना पड़ेगा आपको, है ना? क्लियर है? क्योंकि मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रखना है? इंडिफरेंस, मतलब सेम रखना है। तो अगर एक कमेटी का कंजम्पशन मैं बढ़ा रहा हूँ तो दूसरे कमेटी का मैं कंजम्पशन मुझे कम करना पड़ेगा जिससे मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहे। चलिए कितना कम करता हूँ, एक बढ़ाया एक कम करता हूँ, क्या आप ठीक है? क्यों 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 नहीं है सही? बोलो जो मन की बात है भाई, जरूर बोलो या डंकी छोटे बोलो, क्या बात है? आप लोग स्टूडेंट्स हैं, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आएगा, आपका क्या कहना है क्यों नहीं आएगा भाई? कमेंट में भी बताएं और वैसे ही बताएं, आप बताओ जी। आपने बोला सर सेम नहीं होगा टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल, अब क्या टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा? एक बढ़ाया दूसरा मैंने कम कर दिया तो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल जो पहले मुझे मिल रहा था पी कॉम्बिनेशन पे, क्या क्यू पर भी मुझे सेम टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा या उसमें चेंजेस आएंगे? तो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा? आपने कहा सर एक बढ़ा रहे हो, एक का कंजप्शन इंक्रीज कर रहे हो, दूसरे कंजप्शन आप रिड्यूस कर दो क्योंकि टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल आपको सेम रखना है, मैंने कर दिया, अब क्या सेम हो गया टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल? हाँ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं रहेगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक का कंजप्शन बढ़ा रहे हैं तो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए दूसरे का कंजप्शन कम करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, एक बढ़ाया तो कम करा, लेकिन इस सिचुएशन में सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा पहले से सेम नहीं रहेगा, अब बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपने कितना एप्पल गेन करा,
आया मजा? हाँ भाई, अब कितना सेक्रीफाइस करा? एक बनाना गया मजा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल वन एप्पल इज ग्रेटर देन सेटिस्फेक्शन लेवल वन बनाना। एक एप्पल से जो आपको मजा आएगा और एक एप्पल से जो आपका जाएगा, तो आ ज्यादा रहा है जा कम रहा है, ये तो वही बात होगी। पॉकेट में डाला 100 रुपये, निकाला यहाँ से 20 रुपये, तो भैया टोटल पैसा तो बढ़ेगा ना। नहीं बात समझ में आई मेरी? क्लियर है? तो इसलिए आप ये मत सोचें कि एक के बदले एक से बात बन जाएगी। ज़्यादा एप्पल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक सेब से ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और एक बनाना कम सेटिस्फेक्शन लेवल देगा क्योंकि बनाना आपके पास में ज़्यादा अवेलेबल है। तो एक एप्पल के बराबरी के लिए, जैसे मान के चलो एक खट्टा खट्टा बंदा है और एक बिल्कुल पतला सा है, वो लड़ने के लिए आ रहा है, तो 2-3 भेजने पड़ेंगे ना उसके लिए, हैं? नहीं समझ में आया आपको? क्लियर? एक बॉडी बिल्डर है अच्छा खासा तगड़ा सा, और अब बिल्कुल एक पतले से को आप भेज रहे हो उससे लड़ने के लिए, कम से कम 2-3 तो भेजो, तभी तो उसकी बराबरी करेगा वो। तो ऐसे ही एक एप्पल ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहा है आपको, तो आपको अगर बनाना से कम करना है ताकि छोटा सेटिस्फेक्शन सेम रहे, तो आपको ज़्यादा बनाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बनाना एक एप्पल के इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं देता है, एक एप्पल ज़्यादा देता है। समझ में आया? तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा बनाना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। अब आपको ये बात डाइजेस्ट हुई कि एक एप्पल के बदले मैंने 5 बनाना क्यों सेक्रीफाइस करा? 5 ही नहीं बोल सकते, जरूरी ये आप 4 बोल दो, 3 बोल दो, 2 बोल दो, सब जायज है, लेकिन एक एप्पल से ज़्यादा बनाना सेक्रीफाइस करोगे तब जाके सेटिस्फेक्शन लेवल आपका इक्वल रहेगा। अगर एक एप्पल के बदले एक बनाना सेक्रीफाइस कर दोगे तो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एप्पल से सेटिस्फेक्शन लेवल आपका एक बनाने कंपेटिवली ज़्यादा होता है। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई कुछ बात समझ में आ रही है? डाउट है तो पूछो। क्लियर है? मैं ये नहीं कर रहा आप 6 कर दो, मतलब एक एप्पल के कंपेटिवली ज़्यादा बनाना सेक्रीफाइस करो, कहने का मतलब ये है। कोई दिक्कत नहीं है उससे, बस एक एप्पल अगर आप गेन कर रहे हो तो आपको बनाना एक से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि बनाना जो है कम सेटिस्फेक्शन लेवल देता है एप्पल कंपेटिवली। मतलब हमें तो एक हाइपोथेटिकल टेबल लिया है मैंने, ये एक इमेजिनरी टेबल लिया है ये समझाने के लिए कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है दोनों कम्युनिटी से इक्वल नहीं होता है। नहीं क्या है बेसिकली, क्या है बच्चे, जैसे लगे ना, अब बात समझो जरा, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 2 कम्युनिटी है तो दोनों से इक्वली सेटिस्फाइड आप नहीं हो रहे हैं। जो ज़्यादा अवेलेबल है उससे कम सेटिस्फाइड हो रहे हैं, जो कम अवेलेबल है उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। तो अगर आपको सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रखना है तो एक को जो आपने सेक्रीफाइस किया है, एक को जो गेन किया है जो कि ज़्यादा सेटिस्फाइड कर रहा है, और दूसरा जो कि कम सेटिस्फाइड करता है, तो उसके ज़्यादा यूनिट को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी उसकी बराबरी होगी। अब उससे ज़्यादा कुछ भी लिख लो आप यहाँ पे, क्योंकि हाइपोथेटिकल टेबल है ना। लाइक मुझे अगर एक स्टोरी पे मूवी बनानी है तो मैं किसी भी एक्टर को खड़ा कर दूँ, उससे फ़र्क क्या पड़ता है स्टोरी पे? समझ में आया आपको? हर बुक में अलग अलग शेड्यूल होंगे, एनसीईआरटी के अपने अलग शेड्यूल होंगे, संधिगर के अपने अलग हैं। क्लियर है बच्चे? और दीपा श्री एक आपका है, इजी लैंग्वेज रहती है, उसका अपना एक अलग रहेगा। नहीं आया समझ में? क्लियर है बच्चे? जो ऑनलाइन है मैं आपको बता दूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर एक वीडियो लास्ट में मैंने रिकॉर्ड करके अपडेट करी है, अपलोड करी है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो कंटेंट था वो कर दिया है। यूटिलिटी की भी 2 क्लासेस एक्स्ट्रा मैंने रिकॉर्ड करी है, क्योंकि देखो लाइव भी चलता रहेगा, एक आधा क्लास आपके रिकॉर्डिंग भी होते रहेंगे ताकि टाइम पर आपको सिलेबस कंप्लीट हो। तो यूटिलिटी की भी 2 से 3 क्लासेस मैंने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिए हैं, वो भी आपके फोल्डर में अपडेट हो जाएंगी। बाकी आपका लास्ट ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया है, यूटिलिटी के 2-3 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं, वो अपडेट हो जाएगी। अब हम इंडिफरेंस कर्व चला रहे हैं, ठीक है बच्चे? क्लियर है बात समझ में आया आपको? आपको ये बच्चा क्वेश्चन बोले सर सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे जो मिल रहा था और यहाँ पर टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल वो सेम रहेगा, मेरी बात समझो। 1 एप्पल 1 बनाना, एक एप्पल 50 यूटिल्स देता है एग्जाम्पल के, क्योंकि यहाँ पे मैं यूटिल्स लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि ओरिजिनल अप्रोच है, बट समझाने के लिए मैं को यूज़ करना पड़ा अभी। और एक बनाना 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन लेवल देता है, क्योंकि बनाना आपके पास में ज़्यादा है। तो एक एप्पल आया तो कितना आया?
अगर आपने एक बनाना सेक्रीफाइस कर दिया तो आपका 10 ही तो जाएगा, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल तो आपका गेन हो जाएगा। हमें तो सेम रखना है, इंडिफरेंस रखना है, तो मुझे एप्पल ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैंने 5 एप्पल सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि जितना आएगा उतना ही जाना चाहिए, तभी सेम रहेगा। जितना आया उससे ज़्यादा चला गया, आप लॉस पे आ जाओगे। जितना आया उससे कम गया, आप गेन कर जाओगे। और आपको सेम रखने के लिए जितना आया एग्जैक्टली उतना ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं आई? चलो आर कॉम्बिनेशन, एक और एप्पल आपने गेन करा, अब कितने बनाना सेक्रीफाइस करूं? 5। आप कह रहे हैं 5 बनाना और सेक्रीफाइस कर दो, मतलब 5 सेक्रीफाइस करेंगे तो आप कितने बनाना कंजम्पशन करेगा? 5। ये गलत है, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं रहेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं रहेगा। जो पी पर है वही क्यू पर आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, लेकिन जो आर पर है वो अब आपका, वो आर पे जो अब आपका है टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? हाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, किसी भी कम्युनिटी का कंजम्पशन कंटिन्यूसली करते हो तो नेक्स्ट यूनिट सेटिस्फेक्शन लेवल पहले जितना नहीं देता, पहले से तो जब पहले से मजा कम दे रहा तो पहले जितना सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो? बताओ भाई, हाँ नहीं आई बस में? तो इसलिए आप पहले इतना सेक्रीफाइस मत करो। पहले वाला एप्पल की बात ही अलग थी, क्योंकि आप स्टार्टिंग फेज पे थे। अब एप्पल की क्वांटिटी बढ़ रही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी आप पे अप्लाई हो रहा है, अब एप्पल की इंपॉर्टेंस आपके लिए वो नहीं रही है, थोड़ी कम हो गई है, इसलिए बनाना उतना मत सेक्रीफाइस करो। पता लगे अब आया तो इतना है और आप सेक्रीफाइस उतना ही कर रहे हो, तो आपको तो लॉस हो जाएगा ना। तो इसलिए अब मैं पहले से 5 कर रहा हूँ तो पहले से कम कर रहा हूँ, 4 करूँगा तो क्या 6, अब 4 कर दिया, अब 6 रहा मेरे पास। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्लियर है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक एप्पल के लिए कितना बनाना सेक्रीफाइस करा, अब एक एप्पल के लिए कितना सेक्रीफाइस करा, क्यों करा पहले से कम? एप्पल की बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, अब नेक्स्ट एप्पल सेटिस्फेक्शन लेवल कम देगा तो बनाना भी आप पहले से कम सेक्रीफाइस करोगे। अब ये आपको समझ में आ गया तो बस चलना है पी क्यू आर एस 4। क्या आप 4 सेक्रीफाइस करेगा? तो अब एक को पाने के लिए 3, टी 5, अब 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर इस चैप्टर में कंडीशन है कि आपको 2 कमिटी कंजम्पशन करना है। अगर आप कर दोगे 6 एंड 0 तो ये कॉम्बिनेशन 2 गुड्स का है, सिंगल गुड्स से, तो इसलिए बस रुक जाओ। क्या हो गया आपके पास पे 2। एमआरएस का नेचर देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या नेचर इसका, डिक्रीज होता जा रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? नोट डाल दूं, MRS is diminishing। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? MRS क्या है? जो सेक्रीफाइस की रेट है, जितना पहले सेक्रीफाइस हुआ नेक्स्ट टाइम सेक्रीफाइस उससे कम होगा। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है? अब बताओ जो P पे जो सेटिस्फेक्शन नंबर मिल रहा है, Q पे उतना ही मिल रहा है अलग मिल रहा है? Q पे, Q कॉम्बिनेशन पे, अगर क्यू पे मैंने एप्पल बढ़ाया तो मैंने बनाना भी उसके अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस करा भाई। आर पे अगर मैंने एप्पल बढ़ाया, जितना गेन हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने सेक्रीफाइस भी करा है। तो जो पी पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कॉम्बिनेशन पी पे, और जो क्यू पे मिल रहा है, डिफरेंट है या सेम है? और जो आर पे मिल रहा है, एक बढ़ाया तो दूसरा भी सेक्रीफाइस उतना ही करा है। एस पे, टी पे, क्लियर है? समझ में आई बात आपको? तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है क्या? ये एक ही कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है? कितने गुड्स के? सो ये सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट दे रहे हैं सेम दे रहे हैं? तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब आप ये नहीं कह सकते मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए, अभी सब वही तो दे रहा है मजा, कोई सा भी ले लो। है क्लियर है? समझ में आया? मैं डायग्राम की बात करता हूँ, उसका डायग्राम कैसे बनेगा। पहले डायग्राम की बात करूँ तो एक बात और समझिएगा। हाँ जी, अगर गुड्स एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो दूसरे कंजम्पशन क्या हो रहा है?
तो एक जिस डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो भैया डायग्राम तो इसका कैसा बनेगा? रिलेशन कैसा है? इनवर्स, इनवर्स रिलेशन है। हाँ बच्चे, तो डायग्राम कैसा बनेगा? नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। एग्री करते हो इस चीज से? पता लगा लेफ्ट राइट डाउनवर्ड क्यों बनेगा? क्योंकि अगर एक का कंजम्पशन बढ़ाओगे दूसरे का कंजम्पशन कम होगा। अब लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड की बात अगर चली है तो दूर तक जाएगी ये बात। देखो बच्चे, यहां पे लिख रहा हूं मैं गुड्स एक्स, यहां पे मैं लिख रहा हूं गुड्स वाई, ओरिजिन एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं, देखो बच्चे लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड की बात करता हूं, देखना जरा ध्यान से देखना, क्या ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है? नहीं है। क्या ये भी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है? क्या ये भी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है? तीनों ही लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, तो तीनों में से कौन सा डायग्राम होगा? आइए फर्स्ट चेक करते हैं, फर्स्ट में दिक्कत क्या है। ये गुड्स वाई है, नीचे गुड्स क्या है? एक्स है। ठीक है, मैं एडिशन यूनिट ऑफ एक्स ले रहा हूं, तो वाई सेक्रीफाइस होगा? हुआ नहीं हुआ? थोड़ा सा लाइन सीधी नहीं है। अगर मैं एडिशन यूनिट ऑफ एक्स ले रहा हूं तो वाई सेक्रीफाइस हुआ? एडिशन यूनिट ऑफ एक्स लिया, वाई सेक्रीफाइस हुआ? हुआ नहीं हुआ? ठीक है बच्चे, लेकिन y पहले कितना सेक्रीफाइस हुआ? दिस वन। नेक्स्ट टाइम कितना हुआ? दिस वन। इक्वली हुआ, तो क्या सेक्रीफाइस हर बार सेम ही हो रहा है? सेम तो नहीं होगा ना, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट जो एप्पल का कंजम्पशन करने पे सेटिस्फेक्शन लेवल कम देगा, तो सेक्रीफाइस भी हमारा पहले से कम होना चाहिए। बट ये सेक्रीफाइस पहले से y गुड्स का क्या हुआ? गुड्स x गुड्स y है। पहले जितना सेक्रीफाइस हुआ था उतना ही सेक्रीफाइस अब भी हुआ। क्या ऐसा हो रहा है? तो ऐसा डायग्राम तो तब बनता जबकि कॉन्स्टेंट रेट से सेक्रीफाइस करते आप, हर बार सेम सेक्रीफाइस करते तब ये डायग्राम बनता है इसका। अगर आप एक गेन कर रहे हो दूसरा सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी से बात नहीं बनेगी ना, दूसरा डिक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस करना चाहिए ना आपको। पहले से कम सेक्रीफाइस करोगे अगली बार, बट यहां पे पहले जितना ही सेक्रीफाइस हुआ है, लेवल देखो दिस वन, तो ये तो कॉन्स्टेंट रेट से सेक्रीफाइस हो रहा है। क्या कॉन्स्टेंट रेट से सेक्रीफाइस होता है? इसलिए डायग्राम ये रिजेक्ट करता हूं मैं। ये स्ट्रेट लाइन कब बनेगा इंडिफरेंस कर्व? व्हेन एमआरएस इज कॉन्स्टेंट, जब सेक्रीफाइसिंग रेट जो है कॉन्स्टेंट हो, एक समान दर से सेक्रीफाइस करेगा, तब पॉसिबल है डायग्राम। समझ में आया आपको? क्लियर है? ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या समस्या आ गई देखते हैं भैया। एक एक्स गेन कर रहा हूँ वाई सेक्रीफाइस, एक एक्स गेन कर रहा हूँ वाई सेक्रीफाइस, एक एक्स गेन कर रहा हूँ वाई सेक्रीफाइस, एक एक्स गेन कर रहा हूँ सेक्रीफाइस कितना करा? दिस वन। अगली बार इतना, अगली बार इतना, अगली बार इतना। क्या ऐसा कर रहे हैं हम? अगली बार पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं हाँ, या अगली बार पहले से कम कर रहे हैं? ये तब बनता, इसको क्या बोलते हैं, ये ना एक लेंस है, दिस वन। ये लेंस पता कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव होता है, कॉनकेव होता है लेंस। ये कॉनकेव लेंस की तरह तब बनता लाइक दिस, समझ में आया आपको? ये तब बनता कॉनकेव जब हमारा एमआरएस इंक्रीजिंग होता, तब एमआरएस हमारा क्या होता? इंक्रीजिंग होता, तो इसलिए हमारा एमआरएस डिक्रीजिंग। इसमें देखते हैं, एक एक्स गेन करता हूं वाई सेक्रीफाइस करा,
एक एक्स गेन करता हूँ वाई, एक एक्स गेन करता हूँ वाई, देखो पहले इतना सेक्रीफाइस करा, फिर इतना, फिर इतना, ये डायग्राम परफेक्ट है ना? समझ में आया बच्चे? क्लियर है? कोई डाउट? अगर आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करके बनाओगे तो ये शेप बनेगी आपकी, समझ में आया? तो ये किस शेप्ड का है आपका? दिस वन किस शेप का है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस. क्लियर है? समझ में आया बच्चे? कैसा होता है ये? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस. समझ में आया बच्चे? क्लियर है? तो और ये कैसा नेचर है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड भी है. कुछ बातें समझ में आई नहीं आई? और ये क्या है? कर्व है. इसी कौन सा कर्व है? इसमें सेटिस्फेक्शन लेवल आप यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, सब पे किसी भी पॉइंट पे चले जाओ आप, सेटिस्फेक्शन लेवल आपको डिफरेंट मिलेगा, सेम मिलेगा? सेम मिलेगा, क्योंकि एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स वाई कॉम्बिनेशन है, मैं मानता हूँ एक्स बढ़ गया बट वाई सेक्रीफाइस भी तो हुआ है. यहाँ मैं मानता हूँ एक्स बढ़ गया बट वाई उसके अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस भी तो करा है. माना एक्स बढ़ गया पहले से कम तो वाई उसके अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस भी तो करा है. तो इंडिफरेंस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट होगा या सेम होगा? तो इंडिफरेंस कर्व शो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. समझ में आया? क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स या बंडल ऑफ टू गुड्स, बात एक ही है. क्लियर है? नहीं आई बात समझ में? एक्सप्लेन द इंडिफरेंस कर्व विद द शेड्यूल्ड एंड डायग्राम. देखो बच्चे क्या है, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज देन देयर आर द सम कॉम्बिनेशन विच गिव हिम एग्जैक्टली द सेम टोटल सेटिस्फेक्शन. मैं रिपीट करता हूं, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज देन देयर आर सम कॉम्बिनेशन विच गिव्स द एग्जैक्टली सेम टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच अ कॉम्बिनेशन टर्म एज द इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ अ बंडल्स ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, या ऑल्टरनेटिवली अलग अलग डेफिनेशन दे रहा है. इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट दैट द शो द सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज विच गिव्स द कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन. ये थर्ड वाला ज्यादा बेटर है. ठीक है बच्चे? दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग. एमआरएस क्या होता है? एमआरएस ए बी, मतलब कि एक को पाने के लिए, एप्पल को पाने के लिए दूसरे को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक को पाने के लिए दूसरा कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? ए बी. जिसको पाना है उसको पहले, जिसको त्याग रहे हो उसको बाद में. एप्पल पा रहे हो, बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हो. क्या होगा? यूनिट ऑफ बनाना विल बी टू सेक्रीफाइस. कितना आपने सेक्रीफाइस किया? जो आपने सेक्रीफाइस किया दिस वन, और आपने गेन कितना किया दिस वन. स्टार्टिंग में आपने कितना सेक्रीफाइस किया? फाइव. और गेन कितना किया आपने? वन. इसको बोल देंगे हम एमआरएस ऑफ एप्पल फॉर एप्पल, नहीं हाँ फॉर एप्पल टू बनाना. क्लियर है बच्चे? तो ये फॉर्मूला हो गया एमआरएस का. यूनिट्स ऑफ बनाना विल बी टू सेक्रीफाइस, यूनिट्स ऑफ अ एप्पल विलिंग टू गेन. तो जो सेकंड वाला होता है उसको सेक्रीफाइस करते हैं, फर्स्ट वाले को हम क्या करते हैं? गेन करते हैं. What is the meaning of indifference map? Hello. What is the meaning of indifference map? Indifference map क्या होता है? Indifference curve पता है ना? Indifference curve show various combination of two goods which gives same level of satisfaction. But indifference map क्या होता है? Group of indifference curve या family of indifference curve is called indifference map. Clear है बच्चे? समझ में आया आपको? Like ये देख रहे हो आप? यहाँ पे पहले मेरी बात समझो, इसी में बता देता हूँ मैं. देखो ये इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस आई कर्व सी. आई सी कर्व नहीं बोलते, सी मीन्स ऑलरेडी कर्व है, आई सी वन है और एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व है आई सी टू एंड आई सी थ्री. तो ये ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है,
फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, इसी को हम इंडिफरेंस मैप बोलेंगे, इस डायग्राम को इंडिफरेंस मैप बोलेंगे। अब एक इंडिफरेंस कर्व पे आप कहीं भी चले जाओ, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? कहीं भी चले जाओ, सेटिस्फेक्शन लेवल एक इंडिफरेंस कर्व पे सेम रहेगा। लेकिन अब ये जो है ना IC2, इसको हायर इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे, क्योंकि ये IC1 से ऊपर है। ओरिजिन से जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही हायर इंडिफरेंस कर्व होगा। क्लियर है? अब देखो, ए पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा और जो बी पे सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, सेम होगा डिफरेंट होगा? क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व पे आप कहीं भी रोटेट हो जाओ तो सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा, पर डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट रहता है और हायर इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फेक्शन लेवल आपको हायर मिलेगा। क्यों हायर मिलेगा वो सुन लो। देखो, ए पे आपके पास में कम्युनिटी वाई का ये लेवल है और कम्युनिटी एक्स का ये लेवल है, बट बी पे आपका वाई तो उतना ही है, वाई तो उतना ही है, बट एक्स क्या है उससे ज़्यादा। तो ज़्यादा बंडल्स ऑफ गुड्स कहाँ कंजम्पशन हो रहा है? ए पे, बी पे? तो इसलिए बी पे सेटिस्फेक्शन लेवल आपको, और बी पे फिर पूरे पे वही रहेगा जो बी पर है। इसी तरीके से सी पे वाई तो उतना ही रहा बट एक्स ज़्यादा रहा, तो इस पे ज़्यादा बंडल्स ऑफ गुड्स कंजम्पशन हो रहा है तो IC3 पर सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा। तो क्या मतलब है? हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व पे हम गुड्स एक्स और वाई के ज़्यादा बंडल का कंजम्पशन करते हैं। क्लियर है बच्चे? समझ में आएगी कुछ बात? इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप रेफर टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ द टू गुड्स। रिप्रेजेंट द लोएस्ट इंडिफरेंस, सॉरी, IC1 रिप्रेजेंट द लोएस्ट सेटिस्फेक्शन, IC2 शोज द सेटिस्फेक्शन मोर देन द IC1, एंड द हाइएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज by indifference curve IC3, however each indifference curve show the same level of satisfaction individually। अपने अपने level पर तो सारे same represent करते हैं, but अगर एक दूसरे से compare करोगे तो higher indifference curve higher level of satisfaction आपको represent करेगा। clear है बच्चे? explain the terms of the MRS। MRS क्या होता है? marginal rate of substitutions। एक additional community को gain करने के लिए दूसरे को जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उस सेक्रीफाइसिंग रेट को हम बोलते हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS टू द रेट एट विच द कम्युनिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूट विद द ईच अदर। एक ऐसा रेट है जिससे कि हम एक कम्युनिटी को सेक्रीफाइस करके दूसरा ले आते हैं। सो दैट द टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल कंज्यूमर रिमेन्स द सेम, जिससे कि कंज्यूमर का टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहे? सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल, इन द एग्जाम्पल ऑफ एप्पल एंड बनाना, MRS A फॉर B will be number of unit of banana that the consumer is willing to sacrifice for the additional unit of apple। banana ki jitni unit sacrifice karega ek additional unit of apple ke liye, usko hum kya bolte hain? MRS bolte hain। formula this one ki banana mein kitna change aaya with respect to apple, ek dono ek hi formula hai। clear hai bachche? wahi schedule hai, wahi sab kuch hai। why MRS diminishing? MRS kaisa hota hai? constant hota hai, har bar utna hi girta hai। सेक्रीफाइस हर बार उतना ही होता है, उससे ज़्यादा होता है या उससे कम होता है? क्यों होता है? क्योंकि एक एडिशनल एप्पल कंजम्पशन से सेटिस्फेक्शन लेवल पहले से कम मिल रहा है, इसलिए बनाना भी सेक्रीफाइस पहले से कम होगा। और एप्पल से पहले से कम क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। समझ में आया? तो जो आपका सेक्रीफाइसिंग का रेट है, हर बार तो उतना सेक्रीफाइस नहीं हो रहा था, हर बार उससे ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं हो रहा था, हर बार पहले से, क्योंकि एडिशनल एप्पल पहले से कम सेटिस्फेक्शन दे रहा था। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। समझ में आया आपको? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई MRS डिमिनिशिंग, जो सेक्रीफाइस कर रहे हो पहले से कम क्यों करते जा रहे हो सेक्रीफाइस? तो MRS फॉल्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इन द गिवन एग्जाम्पल ऑफ एप्पल एंड बनाना, कॉम्बिनेशन ऑफ पी हैज ओनली वन एप्पल एंड देयरफॉर द एप्पल इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन द बनाना। ड्यू टू दिस द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप द मोर बनाना फॉर एन एडिशनल एप्पल। ये कहानी समझ में आई क्या है? नहीं आई कहानी समझ में? रिपीट करता हूँ, MRS फॉल्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। क्यों डिमिनिशिंग होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अब कहानी सुनो, इन द गिवन एग्जाम्पल, अभी जो मैंने एग्जाम्पल पढ़ा ऑफ एप्पल्स एंड बनाना का, कॉम्बिनेशन पी की स्टार्टिंग फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, हैज ओनली वन एप्पल एंड देयर फॉर द एप्पल इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन द बनाना। एप्पल हमारे पास सिर्फ एक था, इसलिए एप्पल के महत्व हमारे पास में बनाना से ज़्यादा था। क्लियर है? ड्यू टू दिस द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप द मोर बनाना। इसकी वजह से कंज्यूमर एक एप्पल के बदले ज़्यादा बनाना
सेक्रीफाइस भी कर रहा था, बट एज ही कंज्यूम मोर एंड मोर एप्पल हिज मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम एप्पल कीप्स ऑन डिक्लाइन. जैसे जैसे एप्पल कंजम्पशन करता चला जाएगा उससे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होने लग जाएगा, कम. एज अ रिजल्ट ही विलिंग टू गिव अप द लेस एंड लेस बनाना फॉर ईच एप्पल. क्लियर है बच्चे? दैट्स वाई एमआरएस इज डिमिनिशिंग एंड दैट्स वाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. क्लियर है बच्चे? समझ में आई बात? कुछ कहानी समझ में आ रही है?